इसकी स्पीड लगातार ऑटोमेटिक बढ़ रही है। तो मेरा नाम है आसिफ खान और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी जगह जिसका नाम है साइंस म्यूजियम, जो दिल्ली में स्थित है। बच्चों के लिए, खासतौर पर साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक देखें। बहुत ही शानदार मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है साइंस म्यूजियम का। की खास बात यह है कि इसमें पानी पता ही नहीं चलता आ कहाँ से रहा है, जिसके पीछे कोई पाइप तो लगाया हुआ नहीं है और इसमें से पानी कंटिन्यूसली गिरता रहता है। और यहाँ पे आके सबसे पहली चीज़ यही दिखती है कि इसमें बताना होता है कि पानी आ कहाँ से रहा है, और ऊपर देखेंगे तो ये ऊपर लटका हुआ है ऊपर तार के थ्रू। बताइए अगर आपको मालूम चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पानी आ कहाँ से रहा है। इसका लास्ट में बताएंगे कि पानी आ कहाँ से रहा है, तो लास्ट तक बने रहें। बोल। तो ये जो प्लेट चल रही है ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल है जो इंडिया की तरफ से स्पेस में गई थी, इंडियन स्पेस स्टेशन में, और ये उसकी फुटेज है। अब हम एंट्री करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिखाया गया किस तरीके से वो रहा करते थे, उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। देखिए आप कितने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए गए हैं, देख सकते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से अपना जीवन जिया करते थे वो यहाँ पर दिखाया गया। इनके इंस्ट्रूमेंट भी आप देख सकते हैं। साइंस म्यूजियम में जब एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको ये सब देखने को मिलेगा, है ना। देखिए राजशाला एंशिएंट हिस्ट्री केमिकल लेबोरेटरी, देखिए यहाँ पर केमिकल लेबोरेटरी प्राचीन टाइम में किस तरीके से होती है वो यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए बटन दबाएंगे तो आपको वही चीज़ दिखाएंगे, और देखिए गंधक पोटाश वगैरह इस पर लिखा हुआ है। मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी हम जहाँ जाने वाले हैं उसमें केवल ह्यूमंस से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया गया और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं ह्यूमन लाइफ को। यहाँ देख सकते हैं दिखाया गया किस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है, उसके पूरे प्रोसेस को यहाँ दिखाया गया है। और आपको दिखाता हूँ मैं टेलीस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, ये देखिए सूक्ष्मदर्शी। देखिए अब फन वाले उसमें आ चुके हैं, अब शायद ये कंकाल खराब हो गया। पहले अगर साइकिल को पैंडल मारते थे तो वो कंकाल भी पैंडल मारा करता था। इसके साथ साथ भी यहाँ पर देखिए अब स्टेमिना भी चेक कर सकते हैं अपना इस पर लटक के, अब सामने आपके स्टेमिना के नंबर लिखे आ जाएंगे। ये है मानव हृदय, रियल में मानव का हार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। इसके चार हिस्से होते हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, रियल में मानव हृदय। और आप सामने देख सकते हैं ह्यूमन माइंड्स को भी यहाँ दिखाया गया है। साइंस के स्टूडेंट्स को जरूरी आना चाहिए, यहाँ उनके लिए काफ़ी कुछ है। यहाँ आप बैलेंसिंग भी चेक कर सकते हैं अपनी, ये देखिए इस पे चलना होता है और यहाँ तक आपको आना होता है बैलेंसिंग करके, बढ़िया चीज़ है। सामने ये भैया कर रहे हैं, इनको हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की फोटोज लगी हुई है और जिस एनिमल्स को हम दबा क्लिक करेंगे और उस एनिमल की आवाज़ यहाँ से निकलेगी। तो अभी भालू की आवाज़ आ रही है, अभी हाथी की आ रही है, बहुत धीरे आ रही है लेकिन आ रही है। यहाँ से मोर की आ रही है, जिस भी एनिमल को आप यहाँ पर टच करोगे उसकी आवाज़ इस कान में से आ रही है। बहुत बढ़िया चीज़ है ऐसी। यहाँ पर आँखों के बारे में भी दिखाया गया है, जीभ के बारे में। देखिए यहाँ भालू का हाथ दिखाया है, अभी शर्मा ट्राई करते हैं गिराने की लेकिन नहीं कर पा रहे, बहुत कमजोर आदमी है। बस 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 गिनना लिए है, मेरे अंदर पावर तो है सुपर हीरो वाली, बस मैं अभी घर छोड़ के आया हूँ। चलो सुपर हीरो पावर यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, आगे दिखाएंगे। अब हम एंट्री करने वाले हैं उस फ्लोर में जहाँ पर डायनासोर बनाए गए हैं और इलेक्ट्रिक से उनके हाथ पैर भी लाए जाते हैं। बहुत ही शानदार मजा आने वाला, देखिए इसका एंट्री गेट किस तरह का। काफ़ी अंधेरा है लेकिन चलो
डायनासोर्स के मुंह वगैरह पे लाइट जल्दी देखी है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये है तुम्हारा डाइमेट्रोडोन, बाकायदा डायनासोर के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये है डाइमेट्रोडोन। ये है कोरिथोरस, 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ करते थे ये वाले डायनासोर। ये देखिए, कई सारे डायनासोर के प्रकारों को यहाँ दिखाया गया है। साइनोकनेथस, बहुत ही शानदार देखने में है। डायनासोर किस तरह से रहा करते थे वो सब दिखाया गया है। इसी के पीछे भी आप देख सकते हैं, देखने में बिल्कुल रियल लग रहे हैं डायनासोर। हाथ तेरी देख रहे हो कितना खतरनाक आगे देखने में। ये देखिए एंकिलोसोरस, इस डायनासोर के प्रकार का नाम। साइंस में देखिए सबसे मजेदार जगह हम जाने वाले हैं, फन साइंस, जो मेरी फेवरेट जगह फन और साइंस से मेरे चाहिए भारतीय साइंटिस्ट में चाहिए जहांगीर बाबा। मजा आने वाला है, अब असली मजे आने वाले हैं फन साइंस में। ये देखिए दो चुंबक रखिए जो सेम पोल पे है, इसलिए भाई इसे मिला नहीं पाएंगे क्योंकि कभी भी चुंबक के सेम पोल आपस में जुड़ते नहीं है। यहाँ देखिए रस्सा कसी, इसमें आप खुद बैठ कर खुद को ऊपर खींचना है, देखते हैं भाई अपने आपको कितना ऊपर खींच पाएंगे। क्या हो गया, अच्छा ये तो पोपट हो गया। वुमन पियानो, अरे ये बच्चे तो खूब मजे ले रहे हैं इसमें पियानो बजा के। अभिजीत शर्मा कुछ बोलेगा और यहाँ पर भाई सुन पाएंगे केंद्रीय ध्वनि। यहाँ पर यहाँ से तुम बोलो अभी इसको आवाज आ रही है, भाई यहाँ बोल रहे हैं और अभी इसको आवाज आ रही है, तुम बोलो ना, बोलो वहां सुनाई देगा यहाँ बोलेगा। आ तो रही है ये भाई बैठ चुके हैं, घूमो ये बचपना याद करते हुए फुल मौज। इसकी स्पीड लगातार ऑटोमेटिक बढ़ रही है। अपने आप रोकने से नहीं रुकेगा ये। देखिए बहुत ही मस्त जगह आ चुके हैं यहाँ, अभी देखना यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए डालो सर डालो भाई, आप कमेंट बताइए इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों केवल भाई का शरीर दिख रहा है बाकी चीज नहीं दिख रही, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सर कटा हुआ है, बताइए कमेंट बताइए। फिर उसके बाद वीडियो के अंत में हम आपको इसका रीजन बताएंगे। बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं दर्पण की भूल भुलैया और हमारी होने वाली है ताता थैया, और हम शीशे में लगने वाले हैं हम जरूर। लेकिन मैं कई बार आ गया, इसलिए तुम आगे चलो नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखा बिल्कुल बेमान निकल दी। कहा है अभिजीत, अबे खो गए, अरे कहाँ से आ रही है, अच्छा यहाँ है, अबे किधर जा रहा, अब मजा आ रही, मजा आ रहा है, बस नीचे नहीं देखना बेमान निकल दी। और अभी तक हम टकराए तो नहीं कहीं, फंस गए और हम कहाँ है भाई, इसका कहाँ निकलेंगे, ओ फाइनली आ चुके बाहर। तो ये था हमारा साइंस म्यूजियम का लोग, आपने देखा, अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारा, धन्यवाद।